यही जानना चाहते हैं, ये पिछले सत्र में प्रबंध समिति के गठन के संबंध में उठा था, माननीय मंत्री जी ने कहा शीघ्र गठन कर दिया जाएगा, 4 माह महोदय हो गया। हम लोग आपको दावे के साथ कह रहे हैं 15 साल से किसी विद्यालय में कमिटी की गठन नहीं हुई है महोदय, बार बार नहीं महोदय, एक सख्त माननीय मंत्री जी एक निर्देश दे, 1 माह के अंदर जहां भी गठन नहीं हुआ वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जहां भी चार दिवाली का सवाल हो या और विकास का काम हो यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष लिखते हैं उस पर नई कार्रवाई होती है तो उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं, इस पर इसका जवाब होना। माननीय मंत्री जी, अरे एक मिनट आप भी बोल दीजिए, एक ही बार जवाब देते हैं, बोलिए। सभी विधायकों से जुड़ा प्रश्न है, हाँ, आ गया विषय सब। कोई ये प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, कोई हेडमास्टर सुन नहीं रहा है, हेडमास्टर लोग ऐसे लोग हैं, एक हेडमास्टर हमारे अंग्रेज के जमाने का हाई स्कूल है उसमें बोलते हैं कि प्रबंध समिति क्या होता है हमको मालूम है नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद खत्म हो गया। एक हाई स्कूल है फौजदार सिंह हाई स्कूल, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको आज 3-4 साल से है प्रबंध समिति नहीं बना है, और उसके बाद सारे शीशम पेड़ कटवा के बेच दिए, और ये करके जितना प्रबंध समिति से पैसा जो प्रबंध समिति से माध्यम से निकलना था खुद टीचर निकाल प्रिंसिपल निकाल के पैसा सारा खर्च कर दिए, और अथी का पैसा जो अपने कमिटी का जो पेड़। अब ललित जी आप अपनी बात करके दूसरे की बात सुनिए, दूसरे की बात सुनिए माननीय सदस्य। ए ललित जी अब सुनिए, पेड़ का पैसा अपने पॉकेट में रख लिया, मैंने डायरेक्टर से 10 बार कहा, डायरेक्टर को लिखित दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, डायरेक्टर ने 10,000 रुपया लेके और उसको फिर उसको एफआईआर हुआ। ठीक है, और उसके बाद हो गया एफआईआर। नंद किशोर यादव जी बैठ जाइए। महोदय, सब माननीय सदस्यों से जुड़ा गंभीर विषय है, आसन गंभीर है, शांति से सुनिए। महोदय, पिछले सत्र में इस विषय पे चर्चा हुई थी और बहुत सारे सदस्य महोदय आप सुन लीजिए,